इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ 5 लेटर्स की है, और इसके बारे में मैंने भी पहले इतना ध्यान इसकी इतनी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा था जितना मैंने इसकी इम्पोर्टेंस को लॉकडाउन के दिनों में समझा है। तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा, ये है बीकैट, करिए फिर शुरुआत। चलो फिर, वो 5 लेटर्स का वर्ड है हैबिट। हैबिट के बारे में हम बचपन से सुनते आए हैं कि हैबिट्स बनाना अच्छा होता है, लेकिन हमने कभी हैबिट्स को समझा नहीं है। एक तो हमारा जो माइंड है ना, ये उल्टी तरह से वायर हुआ है कि जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं हम उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू गुड हैबिट्स। लेकिन कभी आपने सोचा है कि गुड हैबिट्स को बनाना इतना मुश्किल क्यों है? जब हमारी नॉर्मल लाइफ चल रही होती है ना, हम अपनी डेली टू डेली लाइफ में भी ऐसी बहुत सी हैबिट्स हैं जो सिर्फ अपने आप बना लेते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब कोई बंदा नया नया कार चलाता है तो उसको पहले सोचना पड़ता है कि अब ब्रेक दबाऊंगा, अब क्लच दबाऊंगा, अब शीशे देखूंगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो कार चलाता रहता है, उसकी अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है, वो सारी चीज़ें, वो एक हैबिट सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। फिर उसको सोचना नहीं पड़ता कि हाँ अब क्लच दबाना है, अब मुझे गियर चेंज करना है तो क्लच दबाना है, या फिर ब्रेक दबानी है, या फिर हैंड ब्रेक दबानी है। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। रियलिटी में क्या होता है कि ये सब कॉन्शियस माइंड में हैबिट बन जाती है। आप भी कभी अपने आप को नोट करना कि जब आप सुबह उठ के अपना टूथब्रश उठाते हो, आप नोट करना, आप रोज ही एक हाथ से, जो हाथ, चाहे वो ये वाला हाथ है चाहे ये वाला हाथ है, हमेशा उसी हाथ से टूथब्रश उठाते हो, उस चीज की आपको हैबिट बन चुकी है। दूसरे हाथ से उठाने के लिए आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो यही है पहला रीज़न कि हम गुड हैबिट्स को क्यों नहीं फॉर्म कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड ऐसे इवॉल्व हुआ है कि हम जो हमारी फैमिलियर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, और उस कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ये हो गया पहला रीज़न जिस कारण हैबिट्स को बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरा रीज़न क्या है कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, हमें सारा कुछ एक ही दिन में या फिर जल्दी से ही करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आप कोई फॉर एग्जांपल कोई नई स्किल सीख रहे हैं, या फिर आप फॉर एग्जांपल कोई नया कोर्स सीख रहे हैं, टेक एग्जांपल ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल। लेकिन आप अगर ये करेंगे कि यार मैं बस एक ही दिन में बैठूंगा और सारा कुछ एक ही दिन में लर्न कर लूंगा, उससे क्या होता है कि हम शुरुआत तो करते हैं लेकिन उसको कभी भी फिनिश नहीं कर पाते। और तीसरा रीज़न हैबिट्स ना बनने का है, वो है कि हमें रिजल्ट्स फास्ट चाहिए होते हैं। जैसे टेक एग्जांपल, कोई नया नया बंदा जिम जाता है, या फिर कोई ऐसा बंदा जो पहले जिम मारता था लेकिन बीच में उसने छोड़ दी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि उसने जिम छोड़ दी, फिर वो दोबारा जिम जाता है, एक ही दिन में मोटिवेशन में आके पहले दिन में ही इतना ज़्यादा वेट मार लेता है, इतना ज़्यादा अपने आप को पंप अप कर लेता है कि बाद में उसके मसल्स दर्द होते हैं। जब मसल्स दर्द होते हैं देन उसके बाद फिर अगेन 3-4 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो जो हैबिट वो फॉर्म होनी थी वो पहले दिन के बाद ही टूट की। तो ये मेनली 3 रीजंस होते हैं जिनके कारण हमारी हैबिट्स नहीं फॉर्म हो पाती। तो अगर हम इन 3 रीजंस को समअप करें ना, तो हम एक पॉइंट पे पहुंचेंगे। वो ये है कि अगर हम अपना ऐसा चाहते हैं कि गुड हैबिट्स को बिल्ड करें, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए या और लाठी भी ना टूटे। कहने का क्या मतलब है कि हमारी जो ऑलरेडी डेली लाइफ चल रही है उसी में ही कुछ इस तरह से जो हैबिट हम बिल्ड करना चाहते हैं उसको इंटीग्रेट किया जाए कि हमें वो ईजी लगे। लेकिन ऐसा करने के हैक्स क्या हैं? हैक्स को अच्छी तरह से सीखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक हैबिट होती है उसकी स्टेजेस क्या होती हैं, चाहे वो गुड हैबिट है और चाहे वो बैड हैबिट है। कोई भी अगर हैबिट को अगर समअप करना हो, उन्हें हम 4 स्टेजेस में समअप कर सकते हैं। पहली स्टेज होती है हमारा क्यू, दूसरी स्टेज होती है हमारी क्रेविंग, और तीसरी स्टेज होती है हमारा रिस्पॉन्स, और चौथी स्टेज होती है हमारा रिवॉर्ड। लेकिन क्यू स्टेज में क्या होता है कि जब हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि हाँ यार, अगर मैं ये चीज़ रोज़ रूटीन में करूँगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हमें क्यों मिलता है। क्रेविंग में क्या होता है कि हम वो मोटिवेशनल फोर्स, या फिर वो एक अंदर से मन करना कि हाँ यार मैं ये चीज़ करूँ, वो एक जो विल पावर होती है, यानी कि उस चीज़ को करने की जो क्रेविंग होती है वो होती है हमारी क्रेविंग स्टेज। और रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब हम एक्चुअली एक्शंस लेते हैं, यानी कि प्रॉपर एक कोई हैबिट है, फॉर एग्जांपल सुबह उठना,
आपने एक हैबिट बनाना चाहते हैं और आप एक्चुअली सुबह उठते हैं, वो होगा हमारा रिस्पॉन्स। और रिवॉर्ड क्या होता है कि जब उस हैबिट्स के हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। अब हम अगर इन चार स्टेजेस को दो फेसेस में डिवाइड करें तो जो हमारा क्यू एंड क्रेविंग है वो आ जाता है हमारा प्रॉब्लम फेस में आ जाता है, और जो हमारा रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड है वो हमारा सोल्यूशन फेस में आ जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉब्लम वाले फेज में हम प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे होते हैं, और रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड में क्या है कि हम एक्चुअली सोल्यूशन के लिए एक्शंस ले रहे होते हैं। लेकिन यानी कि हमें अगर टॉप 1% में शामिल होना है, टॉप 1% स्मार्ट में शामिल होना है, देन हमें कुछ ऐसा अपने माइंड को ऐसा हैक करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसे इजी तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम वाले फेस में जाएं ही ना, ऑटोमेटिकली हम रिस्पॉन्स वाले फेस यानी कि एक सोल्यूशन वाले फेस में जाएं। वो कैसे, उसके हैक क्या है? सबसे पहला हैक टॉप 1% में आने के लिए, स्मार्ट बनने के लिए, वो हैक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग कहने का क्या मतलब है कि ये सबसे आसान हैक है, सबसे आसान हैक है। जो आपकी ऑलरेडी हैबिट है उसमें आप ऐसी हैबिट मिक्स कर दो जो हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप होम वर्कआउट करना चाहते हो और आपको म्यूज़िक सुनने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन आप होम वर्कआउट नहीं कर पा रहे। आप ये करो कि जब भी मैं म्यूज़िक सुनूंगा या फिर मैं म्यूज़िक ही उसी वक्त सुनूंगा जब मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि जो हैबिट आप बिल्ड करना चाहते होम वर्कआउट की वो बिल्ड हो जाएगी, और म्यूज़िक तो आप सुन ही रहे हो। यही चीज़ होती है ग्रूमिंग के वक्त भी। ज़्यादातर लोग अपनी ग्रूमिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि खासकर हम लड़कों को हमें लगता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन अपने आप को ग्रूम करना बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप हैबिट स्टैकिंग के हैक को इस्तेमाल करोगे। वो ये है कि जब आप सुबह उठते हो, फ्रेश हुए, ब्रश किया, देन जब आप नहाते हो, अपनी एक आदतों को ना देखो कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें आप जो रब रोज़ करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि जो मैं फेस स्क्रब या फेस वॉश मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, वो जहाँ पे मैं अपना बॉडी वॉश रखा होता है ना, बिल्कुल उसके पास ही रखता हूँ ताकि मुझे याद रहे। बॉडी वॉश तो लाइक वो एक हैबिट है ना कि तुमने साबुन या फिर अपना तुमने बॉडी वॉश लगाना ही लगाना है। और आपको ग्रूम करने के लिए और आपकी ग्रूमिंग हैबिट्स को आसान बनाने के लिए, अगेन इस वीडियो के लिए मामाअर्थ ने हमारे साथ पार्टनर किया है अपनी कोको रेंज के साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मामाअर्थ का कोको फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं, ये फेस वॉश वहीं पे पड़ा होने है जिसमें नहाते वक्त आपकी आंखों के सामने हो, या फिर जो भी आपकी हैबिट है आपके आंखों के सामने हो, इसलिए ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जो ये है ना, इसकी क्या खुशबू है यार, बहुत ही मतलब कि बहुत ही कैंट वाली, बहुत ही कैंट वाली, सेंसुअल, जैसे वो चॉकलेट। जैसे कि इसमें जो इन्ग्रीडियंट है ना वो है कॉफ़ी एंड कोकोवा, और इसमें जो जो वो खुशबू आती है ना, क्या खुशबू आती है। ये यूज़ करने के बाद अगेन आपको ना बहुत ही एक फ्रेशनेस, बहुत ही आपको लगेगा कि हाँ यार आपकी स्किन एक उठी है, आपको खुद फील होगा जब आप इसे यूज़ करेंगे। अगर आपको बाय करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 20% डिस्काउंट आपका कूपन कोड है ऋषि2020। और मामाअर्थ को रिसेंटली पीटा की तरफ से क्रुएल्टी फ्री ब्रांड भी माना गया, और ये आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट और मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन जो डिस्काउंट है वो सिर्फ मामाअर्थ की खुद की वेबसाइट के ऊपर ही वैलिड है। और मामाअर्थ के आप सारे प्रोडक्ट्स आपको पता ही है क्या, केमिकल फ्री होते हैं और नेचुरल होते हैं। अगला हैक जो आपको टॉप 1% में लेके जाएगा और इंस्टेंटली आपको प्रॉब्लम फेस से निकाल के सॉल्यूशन फेस में लेके आएगा, वो है अपना 2-मिनट रूल। लेकिन 2-मिनट रूल होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो गुड हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हो उसका जो पहला एक्शन है जो सिर्फ 2 मिनट में हो जाए, वो चीज़ आपको करनी है। बहुत इजी है माइंड को हैक करना। क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन की एक हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, देन आपको क्या करना है कि जो मैट के ऊपर आप मेडिटेशन करते हैं वो मैट को बस आपने बिछाना है। इजी, आप ये चीज़ करोगे ना आपको खुद ही आपका वो मेडिटेशन करने का मन करेगा, आप उस जगह पे ज़रूर बैठोगे। एक बार बैठना शुरू हो जाओगे देन आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मैंने मैट निकालना है और मैंने वहाँ पे जाके बैठना है, देन धीरे धीरे अगर आप 30 मिनट आपका टारगेट है, मैट निकालना है, वहाँ पे जाके बैठना है, एंड देन उसके बाद मुझे 2 मिनट मेडिटेशन करनी है, तो धीरे धीरे टेक स्मॉल स्टेप्स, लेकिन ये 2-मिनट रूल बहुत ज़्यादा काम आता है। थर्ड हैक टॉप 1% में आने के लिए और अपनी गुड हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए, वो है सैट फार्मूला। सैट फार्मूला क्या होता है, एस मीन्स स्पेसिफिक, ए मीन्स एक्शंस, एंड टी मीन्स ट्रैकेबल।
जो आप हैबिट आप बिल्ड करना चाहते हो वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठने की हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, देन आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आप 6 बजे का टारगेट रखते हो कि आपको 6 बजे उठना है, 6 बजे उठने के बाद आप क्या चीज़ें करोगे, क्योंकि उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। 6 से 7 मैं ये करूँगा, 7 से 8 मैं ये करूँगा, 8 से 9 मैं ये करूँगा। आपकी एक चीज़ हर एक चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए, ये नहीं कि 6 बजे उठ गए 6:30 बजे तक पता ही नहीं हमने करना क्या है, राइट लेकिन एक चीज़ हर एक चीज़ स्पेसिफिक होनी चाहिए। ए मीन्स एक्शन, यानी कि आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने स्टार्ट करो, टेक स्मॉल एक्शंस। एंड तीसरी टी मीन्स ट्रैकेबल, कहने का क्या मतलब है कि जो चीज़ आप कर रहे हो उसे ट्रैक ज़रूर करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है कि आप 90 डेज मास्टरबेशन नहीं करोगे फॉर एग्जांपल, देन मेक श्योर कि आपका एक कैलेंडर हो, उस कैलेंडर पे ना आप क्रॉस मार्क, जिस दिन आपने मास्टरबेशन नहीं की उस दिन क्रॉस मार्क, जिस दिन नहीं की क्रॉस मार्क, जिस दिन नहीं की क्रॉस मार्क। अब इससे होगा क्या, आपने देखा होगा कि स्नैपचैट पे एक फीचर है स्ट्रीक, जस्ट बिकॉज कि लोग अपनी स्ट्रीक तोड़ना नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो ऐसे ही स्ट्रीक भेज दे देते हैं, क्योंकि हमारा माइंड को अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज़ इतनी देर से हमने बिल्ड की है उसको हम तोड़ दें। वैसे ही इस चीज़ से आपको जब आप वो कैलेंडर के ऊपर क्रॉस मारेंगे उससे होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आपने 3 दिन मास्टरबेशन नहीं की और 4th दिन आप बोलोगे नहीं यार मैंने 3 दिन इतनी मेहनत की है, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल किया, 4th दिन मैं अपने इस पर जो मेरी परफॉर्मेंस है या जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है इसको मैं ख़राब नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल आपने ख़राब कर भी लिया लेकिन उससे घबराओ मत, अगले दिन अगर आपने नहीं की तो अगले दिन फिर क्रॉस मारो, जो आपकी पिछली 3 दिन वाली जो आपका ट्रैकर कोड है ना उसको 4 पे लेके आओ, अगर वो 4 वाला टूट जाए उसको 5 पे लेके जाओ। ये एक हैक है, अगेन प्रॉब्लम फेस से सोल्यूशन फेस में आने के लिए सेट फॉर्मूला। फोर्थ हैक इज कमिटमेंट हैक, और ये हैक मैंने लॉकडाउन में यूज़ किया था कि मैंने खुद ही कमिटमेंट कर दी थी अपने व्लॉग्स में कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा। यानी कि आप अपने दोस्तों को या फिर आप अपनी एक ओपन कमिटमेंट कर देते हो, उससे क्या होता है कि उससे हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि हाँ मुझे सुबह उठना है। दो दोस्त आपस में शर्त भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने और सरी ने लगाई थी, सरी एक बार दूसरे घर में सो रही थी मैं इधर सो रहा था, तो हमने उसने बोला था कि नहीं मैं सुबह 5:30 बजे आ जाऊँगी, और मैंने बोला नहीं तू नहीं आ पाएगी, हमने 500 की शर्त लगाई थी, लेकिन सरी पूरे एग्जैक्ट 5:30 यहाँ पहुँच गई थी। तो ये होता है हमारा एक कमिटमेंट हैक। नेक्स्ट हैक इज एनवायरनमेंट, आपने ज़रूर सुना होगा कि काजल की कोठड़ी में कैसो भी सियानो जाए एक लीक काजल की लागी पे लागी है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक इंसान अगर बुरे इंसानों में रहना शुरू कर सकता है जिनकी बैड हैबिट्स में है, कभी ना कभी उनकी बैड हैबिट्स का जो इफ़ेक्ट है उसके ऊपर आएगा ही आएगा अगर वो उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है। वहीं अगर एक इंसान अच्छे इंसानों में रहना, यानी कि जिनकी गुड हैबिट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम की हैबिट मेंटेन करना चाहते हैं, आप उन दोस्तों में रहते हैं जो जिम के लिए काफ़ी पैशनेट है, जो अपनी डाइट के लिए काफ़ी पैशनेट है, आप भी सब कॉन्शियसली वैसे ही बन जाओगे। ऐसे एनवायरनमेंट में जाने की कोशिश करो जिस एनवायरनमेंट में ऐसी हैबिट्स ऑलरेडी हो रही हैं उनके लिए आसान है, उनके ऊपर जाओगे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगेन हैक करोगे, वो चीज़ करने के लिए आप मोटिवेट होगे। नेक्स्ट हैक फ्रिक्शन, कहने का क्या मतलब है कि कोई आप बैड हैबिट है उसे छोड़ना चाहते हो, देन उसमें फ्रिक्शन बढ़ा दो, अपने आप खुद से फ्रिक्शन बढ़ा दो, और कोई गुड हैबिट है जिसे आप बिल्ड करना चाहते हो उसमें फ्रिक्शन कम कर दो। कहने का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगेन मैं जिम की ही एग्जांपल लूँगा, जिम जाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप जो मुझे फील होता है ना कि जिम हमारे घर से जितनी ज़्यादा पास होगी ना हम उतनी जल्दी हमारे चांसेस हैं कि हम महीने में ज़्यादा दिन उस जिम में पहुँचेंगे। अगर वो जिम दूर है देन वो जो महीने में जितने डेज की फ्रिक्वेंसी है ना वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि वो फ्रिक्शन हमने कम कर दिया। वहीं अगर हम पोर्न की एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल आप पोर्न बहुत ज़्यादा देखते हो, मेक श्योर कि आपने ऐसी ऐप्स इंस्टॉल की हुई हैं जो आपको पोर्न वेबसाइट खोलने ही नहीं दे रही, यानी कि हमने फ्रिक्शन बढ़ा दिया। तो ये है फ्रिक्शन स्ट्रेटजी, टॉप 1% में
आने के लिए। तो ये थी वीडियो टॉप 1% में आने के लिए। मामाअर्थ की कोको रेंज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें कोको फेस मास्क भी है, हमारा कोको फेस वॉश भी है और हमारा कोको फेस स्क्रब भी है। अगर आपको बाय करना है देन 20% डिस्काउंट आपका, कूपन कोड है ऋषि2020। तो ये थी वीडियो, पसंद आई तो एक्शन ज़रूर लेना, यानी कि अपनी लाइफ में इसे अप्लाई ज़रूर करना। मैंने डिफरेंस देखा है, आप भी 100% डिफरेंस देखोगे अपने इम्प्रूवमेंट्स में। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। दिस इज बी कैंड, डोंट फॉरगेट टू बी कैंड। चलो फिर।